लोकसभा चुनाव के बीच डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के लिए बड़ा मंगल खुशखबरी लेकर आया है। डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत हत्याकांड मामले में उन्हें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला पलटते हुए पांचों आरोपियों को बरी कर दिया। दरअसल राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। चलिए अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला कब का है। करीब 22 साल पहले 10 जुलाई 2002 में डेरा की प्रबंधन समिति के सदस्य रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रंजीत सिंह के बेटे ने 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद मामला सीबीआई के पास गया और 2021 में राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। कहा जा रहा है कि इस मामले में पहले राम रहीम का नाम नहीं था, लेकिन 2006 में राम रहीम के ड्राइवर के बयान पर डेरा प्रमुख को आरोपियों में शामिल कर लिया गया। हालांकि अब जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से डेरा प्रमुख को राहत मिल गई है, लेकिन इस राहत के बाद भी राम रहीम जेल में ही चक्की पीसेगा, क्योंकि इस वक्त वो 20 साल के जेल की सजा काट रहा है। दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में उसे 20 साल और छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि अभी हाल ही में डेरा सच्चा सौदा ने हरियाणा में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया था। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राम रहीम के समर्थन देने से बीजेपी को फायदा मिला है या नुकसान। तस्वीर नतीजों के दिन साफ होगी। फिलहाल डेरा सच्चा सौदा के समर्थक अपने प्रमुख को मिली राहत पर खुश जरूर हैं।